दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2016 में रिलीज हुई फिल्म साइलेंस की, जो कि एंड्रू गारफील्ड और लियाम नीसन की एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 17वीं सदी में होती है और फिर हमें जापान नजर आता है, जिसमें वहाँ कुछ लोग बंधकों के साथ आगे बढ़ते हैं और उनके बीच में हमें पादरी फरेरा नजर आते हैं और उनके सामने क्रिश्चियन धर्म में मानने वाले लोगों को सजा दी जाती है, जिसमें उनके शरीर पर गर्म पानी डालकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है और इस चीज से उनका शरीर काफी ज्यादा जलता है। और उस वक्त में जापान में फादर फरेरा को वहां पर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए भेजा गया था और उनके साथ काफी सारे लोग जुट गए थे और उन्हें ही टॉर्चर किया जाता है, जिसमें उन्हें अपना क्रिश्चियन धर्म छोड़ना कहा जाता है। और उनकी हालत देखकर फादर फरेरा काफी दुखी होते हैं। और फिर फादर फरेरा के बारे में कुछ सालों के बाद मकाऊ में इटालियन फादर एलेजेंड्रो दो जवान और छोटे फादर्स रोड्रिगेस और फादर गरुपे को बताते हैं, जिसमें उनका आखिरी लेटर उन्हें सुनाया जाता है। और अब फादर फरेरा जापानीज धर्म अपना चुके ऐसा एलेजेंड्रो बताता है और वहाँ पर ये चीज़ बाकी दोनों मानने तैयार नहीं होते, क्योंकि फादर फरेरा ने अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियन धर्म को फैलाने में लगा दी थी, साथ ही वो उन दोनों के भी टीचर थे। और वहाँ एलेजेंड्रो के हिसाब से उनके सामने काफी सारे लोगों को मार दिया गया था और वहां गरुपे को लगता है कि ये चीज फादर फरेरा को बदनाम करने के लिए फैलाई गई होगी और वहां रोड्रिगेस को इस चीज से फर्क पड़ता है, इसलिए वो फरेरा को ढूंढने जाएगा ये बोलता है। और वहां एलेसेंड्रो इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वहां बाकी दोनों बताते हैं कि ये चीज इतिहास में उनकी काफी बड़ी हार मानी जा सकती है और इसी वजह से उनका धर्म क्रिश्चियनिटी भी बर्बाद हो सकता है। तब वहाँ उनकी बात समझकर एलेसेंड्रो उन्हें इस मिशन पर भेजने तैयार हो जाते हैं। और वहाँ जापान की लैंग्वेज उन्हें नहीं आती ये लॉटरगेस बताता है, जिसमें वहाँ एलेसेंड्रो उन्हें भगवान पर भरोसा रखने कहता है, जिससे वो लोग वहाँ पर जाएंगे, लेकिन वहाँ काफ़ी बड़ा खतरा उनके सामने होगा ये वो बताते हैं। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर एक दिन रोड्रिगेस और गरुपे जाकर एक आदमी से मिलते हैं जो कि उन्हें जापान लेकर जाने वाला होता है और उसका नाम किचिजारो होता है। फिर एक आदमी उन्हें किचिजारो के पास लाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है और वो उन्हें जापान लेकर जा सकता है ये वो आदमी बताता है। और वहाँ वो किचिजारो को मारता है और वहाँ गरुपे उससे बात करता है, जिसमें वो नागासाकी से होता है और उसे उनकी लैंग्वेज भी आती है। और वहाँ रोड्रिगेस उसे पूछता है कि क्या वो क्रिश्चियन है, जिसमें वो काफ़ी डर डर कर मना कर देता है और फिर वो चिल्लाता है, लेकिन वो उन्हें जापान लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस चीज़ से दोनों पादरी खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और वहाँ गरुपे को किचिजारो पर भरोसा नहीं होता, लेकिन रोड्रिगेस बताते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और फिर वो जीसस को याद करते हैं। और फिर कुछ महीनों तक वो आदमी उन्हें समुद्र में काफ़ी आगे लेकर बढ़ता है और वो लोग जापान की तरफ जाते हैं और किचिजारो एक आइलैंड को दिखाता है और वो पानी में कूद पड़ता है और फिर वो आइलैंड के पास जाता है। तब वहाँ दोनों पादरी भी वहीं पर आते हैं और फिर तीनों वहाँ से गुफा में आते हैं, जिसमें किचिजारो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और दोनों पादरी को वहाँ पर वो छोड़ देता है, जिसमें इस चीज़ से दोनों पादरी काफ़ी डर जाते हैं। और वो लोग वहाँ पर कुछ दिन ऐसे ही बिताते हैं और फिर एक दिन के बाद बाहर कुछ लोग उन्हें देखने आते हैं, तब वो लोग छुप जाते हैं और उनके सामने एक आदमी आता है। तब दोनों वहाँ से भागते हैं और वहाँ पर वो आदमी उनके सामने आ जाता है और वो पादरियों को देखकर काफ़ी खुश होता है और वो उनके सामने झुकता है, जो कि गाँव का मुखिया होता है। और वहाँ गाँव के दूसरे लोग भी आते हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो लोग जापानीज क्रिश्चियन हैं और ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है और वो उन्हें पीछे आने कहते हैं। और वहाँ से वो लोग पादरियों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ उन लोगों के बीच में किचिजारो भी होता है और वही उन लोगों को लाया था ये रोड्रिगेस समझ जाता है, जिसमें रास्ते में वो लोग बताते हैं कि जापान में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों को और पादरियों को मार दिया जाता है। और फिर वो लोग अपने गाँव में आते हैं और वहाँ से एक घर में आते हैं, जिसमें वहाँ दोनों को छुपाया जाता है
और वो लोग ऐसे कैसे जी सकते हैं, ये रॉड्रिगेस पूछता है, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी खतरा होता है। और वहाँ एक आदमी बताता है कि वो लोग छुप छुप कर प्रार्थना करते हैं, जिसमें उनका पूरा गांव क्रिश्चियन होता है, और वहाँ गांव का मुखिया उनका सबसे बड़ा धर्म गुरु बनकर उन्हें संभाल रहा होता है, जिसमें उन्होंने जीसस की तस्वीरें भी छुपा कर रखी होती है, और उन लोगों को भगवान पर पूरा भरोसा और उन पर श्रद्धा होती है। और वहाँ दोनों पादरी इस चीज़ से काफ़ी खुश होते हैं, और फिर उन दोनों को खाना दिया जाता है, जिसमें वो लोग कई दिनों से भूखे होते हैं, और उन लोगों के आने से सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। और अब उन लोगों के पास असली पादरी उन्हें मिल चुके थे, जो कि उन्हें अपने धर्म का रास्ता दिखाया गया। और वहाँ रोड्रिगेस उन लोगों के जीसस के भरोसे और उनकी श्रद्धा की तारीफ करता है, और वहाँ दूसरे जैपनीज लोग काफ़ी खतरनाक है ये वो लोग बताते हैं, जिसमें क्रिश्चियन लोग या पादरी मिलने पर काफ़ी बड़ा इनाम रखा गया होता है। तो वहाँ रोड्रिगेस उनसे फादर फेरेरा के बारे में पूछते हैं, जिसमें उन लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर वहाँ पूरे गांव को वो लोग अपनी शरण में ले लेते हैं, जिसमें रोड्रिगेस उनकी श्रद्धा देखकर खुश होता है, और वो अपने क्रॉस को सबको दिखाता है, और वो उन लोगों को देता है, जिसमें वो लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें गांव वालों को पादरियों का ध्यान रखना होता है, और वो लोग उन्हें एक पहाड़ी पर एक घर में लाते हैं, और वो लोग उन्हें छुप कर रहने कहते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें पूरा दिन छुप कर रहना होगा। और रात को वो लोग गाँव में आकर अपने सभी भक्तों से मिलते हैं, और फिर रात को उन लोगों के पास कई लोग अपने कन्फेशन करते हैं, जिसमें उन लोगों के लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, और इसी वजह से उन्हें कई बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग हर बार चीज़ों को संभाल लेते हैं। और वहाँ उन लोगों के पास जीसस की एक तस्वीर भी होती है, और अब उनकी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जिसमें रोड्रिगेस उन लोगों के लिए जीसस से प्रार्थना करता है, जिसमें पूरा गांव रात को एक ही जगह पर जमा होता है। और फिर वो लोग नए नए जन्मने वाले बच्चों को भी आशीर्वाद देते हैं, और भगवान की उन लोगों पर दया है ये गरुपे बताता है, जिसमें सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे गरुपे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, जिसमें वो छुप कर नहीं रह पाता, और वो काफ़ी भड़का हुआ रहता है, जिसमें उन्हें अभी तक फरेरा के बारे में भी कोई भी चीज़ पता नहीं चली होती। और वहाँ रोड्रिगेस बोलता है कि वो लोग जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। और वहाँ गरुपे को लगता है कि शायद फादर फरेरा मर चुके होंगे, और शायद उनके कन्वर्जन की अफवाह क्रिश्चियन धर्म को बदनाम करने के लिए फैलाई गई होगी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और अंदर बैठ बैठ कर दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और फिर वो लोग बाहर जाएंगे ये बोलते हैं। और वहाँ गरुपे को ये चीज़ गांव वालों के लिए थोड़ी सी खतरनाक लगती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। और फिर एक दिन दोनों बाहर आकर आराम करते हैं, जिसमें वहाँ गरुपे और रोड्रिगेस दोनों आसपास के पंछियों को देखकर खुश होते हैं। और वहीं पर गरुपे को दो आदमी दिखते हैं, तब वो लोग वहाँ से अपने घर में आकर छुप जाते हैं। और वहीं पर वो दोनों आदमी दरवाजे पर आते हैं, जिसमें वो दोनों पादरियों को बुलाते हैं, और वो लोग क्रिश्चियन है ये बताते हैं। और तब रोड्रिगेस बाहर आता है, और वहीं पर दोनों छुप जाते हैं, और वो लोग उन लोगों को अपने गांव कोटो आने कहते हैं। असल में कोटो गांव से फादर रोड्रिगेस ने जापान में क्रिश्चियन धर्म फैलाने की शुरुआत की थी, और इस चीज़ के बारे में रोड्रिगेस सोचता है। और वहाँ उन आदमियों की हालत काफ़ी ख़राब होती है, तब उन दोनों के लिए पादरी चप्पल बनाते हैं, और वहाँ उन लोगों को किची जीरो ने भेजा है, जो कि उनके गांव का ही है ये वो लोग बताते हैं, जिसमें दोनों पादरियों को लगता है कि वो क्रिश्चियन नहीं था, जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो क्रिश्चियन ही था। और वहाँ गांव में एक दिन काफ़ी सैनिक आ गए थे, और वहाँ किची जारो ने अपनी जान बचाने के लिए जीसस के फोटो पर अपना पैर रखा था, और इस चीज़ से वो बच गया था, और इसी वजह से वो खुद को क्रिश्चियन नहीं समझता। और वहाँ दोनों पादरी उनके गाँव आने तैयार हो जाते हैं। और फिर एक दिन रोड्रिगेस के साथ वो लोग वहाँ से बोट में आगे बढ़ते हैं, और वो लोग गोटो की तरफ जाते हैं, और फिर एक किनारे के पास गोटो गांव के लोग आते हैं, और वहाँ रोड्रिगेस को लेकर वो अपने गांव में किनारे से आते हैं, और वहाँ रोड्रिगेस को किची जीरो भी दिखता है। और फिर रोड्रिगेस एक घर में जीसस की स्थापना करवाता है, और फिर सभी लोग जीसस के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर रोड्रिगेस से मिलने काफ़ी सारे गांव के लोग आते हैं, जिसमें वो उन सभी के लिए प्रार्थना करता है। और फिर एक दिन उसे एक आदमी मिलता है, जो कि फादर फरेरा को जानता था, जो कि उनके लिए प्रार्थना करते थे। और फिर एक दिन एक मुसीबत आई, और उसके बाद वो नागासाकी में है ये वो बताते हैं। साथ ही वो जगह काफ़ी खतरनाक है, ऐसा उनका मानना होता है। और फिर वहाँ रोड्रिगेस सभी लोगों को जीसस के बनाए हुए छोटी छोटी चीज़ों में क्रॉस देता है, जिससे वो उन लोगों की श्रद्धा अब बढ़ती रहे। और फिर उनके एक माला में से मोती निकाल कर वो सबको देते हैं, और वो किची जीरो को भी देने जाते हैं, जिसमें वो वहाँ से भाग जाते हैं।
और फिर रोड्रिगिस उसके पास आता है और वहाँ किची जीरो बताता है कि वो इस लायक नहीं है क्योंकि उसने जीजस के फोटो पर अपना पैर रखा था और अब वो क्रिश्चियन नहीं है, जिसमें उसके परिवार ने जीजस के फोटो पर पैर नहीं रखा और इसी वजह से सबके सामने उन लोगों को चला दिया गया था और वो अपने परिवार में से अकेला जिंदा है, जिसमें ये चीज उससे हमेशा याद आती रहती है। और जब भी उसने फादर रोड्रिगिस को पहली बार देखा था तभी वो समझ गया था कि वही उसे अपने पापों से मुक्त कर सकते हैं और वहाँ रोड्रिगिस उसे कन्फेशन करने कहता है, जिसमें वहाँ किची जीरो रो पड़ता है और वहाँ रोड्रिगिस फिर से उसके लिए प्रार्थना करता है। कुछ दिनों के बाद रोड्रिगिस वहाँ से वापस जाता है, जिसमें पता चलता है कि उसके गांव में दुश्मन आ चुके हैं और वहाँ सब लोगों के बीच में एक आदमी अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें उन लोगों ने गांव के मुखिया को क्रिश्चियन होने के शक की वजह से पकड़ लिया होता है और वहाँ उन लोगों को पता चला होता है कि गाँव में क्रिश्चियन धर्म काफ़ी बढ़ रहा है, ये वो लोग बताते हैं। लेकिन वहाँ गाँव वाले बताते हैं कि पूरे गाँव में कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, जिसमें सैनिकों ने सुना होता है कि गाँव वाले छुपकर क्रिश्चियन धर्म को बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर क्रिश्चियन लोगों के नाम देने पर काफ़ी बड़ा रकम अनाउंस की जाती है, लेकिन वहाँ कोई कुछ भी नहीं बताता। तब वहाँ से सैनिक मुखिया को आज़ाद कर देते हैं और उन लोगों को 3 दिन का वक्त देते हैं और क्रिश्चियन लोगों को उनके हवाले कर देने कहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और ये चीज़ दूर से रोड्रिगिस भी देख लेते हैं और फिर रात को वो लोग इस बारे में बात करते हैं, जिसमें गाँव वाले दोनों पादरियों को वहाँ से निकलने कहते हैं और वहाँ गाँव वालों की जान खतरे में है ये रोड्रिगिस बताता है और वहाँ से वो लोग गोटों में छुप सकते हैं ये गरुपे बताता है, जिसमें वहाँ भी खतरा होगा ये किची जीरो बोलता है और वहाँ सब लोगों को पादरी की चिंता होती है, जिसमें मुखिया जी पादरियों को वहीं पर रहने कहते हैं, जिसमें 2 जन उन लोगों के हवाले हो जाएंगे और वो लोग क्रिश्चियन धर्म फैला रहे ये वो लोग बोलेंगे ये बताते हैं, जिसमें वहाँ सभी लोग इस चीज़ से दुखी होते हैं और इस चीज़ से दोनों पादरी भी चौंक जाते हैं। और वहाँ एक आदमी को लगता है कि किची जीरो को उन लोगों के हवाले होना चाहिए, जिसमें वो उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे ऐसा उन्हें लगता है, जिसमें वहाँ ये किची जीरो नहीं कर सकता ये बोलता है और इसी वजह से उन लोगों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें रोड्रिगिस उन लोगों को रोकता है। 3 दिन के बाद गांव में सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से पादरी गांव को छोड़कर थोड़ा दूर रहने वाले होते हैं, जिसमें वो लोग पकड़े गए तो उन्हें सजा मिलेगी ऐसा गांव वालों को लगता है। और फिर वहीं पर सभी लोग एक जगह पर प्रार्थना करते हैं और वहाँ रोड्रिगिस को उन लोगों का बनाया हुआ वो लोग एक जीसस का क्रॉस देते हैं, जिसमें वो गांव वालों का उनके लिए तोहफा होता है और वहाँ रोड्रिगिस उन्हें बोलता है कि उनकी श्रद्धा ही उनकी असली शक्ति है और वो उन लोगों को जीसस पर भरोसा रखने कहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर अगले दिन गांव में सैनिक वापस आते और उन लोगों ने फिर से मुखिया के साथ किची जीरो और दूसरे लोगों को भी पकड़ लिया होता है और वहां से उनकी परीक्षा ली जाती है, जिसमें उनसे जीसस के फोटो पर पैर रखने कहा जाता है, जिसमें मुखिया जी ये कर लेते हैं और उनके बाद किची जीरो और बाकी लोग भी यही करते हैं और ये चीज़ दोनों पादरी भी दूर से देखते हैं। और फिर भी वहाँ एक आदमी उन लोगों पर शक करता है, तब वो लोग बताते हैं कि वो लोग क्रिश्चियनिटी नहीं लेकिन बुद्धिज्म में मानते हैं। तब वहाँ एक सैनिक क्रॉस पर सबको थूकने कहता है, जिसमें किची जीरो ये कर लेता है। तब वहाँ उसे आज़ाद कर दिया जाता है लेकिन बाकी 3 लोग ये नहीं करते, तब उन्हें क्रिश्चियन घोषित किया जाता है और फिर उन 3 को समुद्र किनारे पर लाकर बांधा जाता है, जिसमें सारे गाँव वाले और पादरी उन्हें देखते हैं और शाम को पानी बढ़ने पर 3 उसमें ने लगते और 3 दिन तक ऐसे ही तड़पने के बाद 3 मारे जाते हैं। और इस चीज से पूरा गांव ही दुखी रोता है और वो लोग साइलेंट ही रहते हैं। और फिर रात को उन लोगों को सैनिक नीचे उतारते हैं और वहाँ उन्हें चीता पर डालकर चला दिया जाता है, जिसमें इस चीज़ को सभी लोग देखते हैं और वहाँ दोनों पादरी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पादरी वहाँ से गुफा से समुद्र किनारे पर आते हैं और वहाँ से वो लोग निकलने वाले होते हैं और अब वहाँ उनकी वजह से कोई नहीं मरेगा ये रोड्रिगिस बताता है, जिसमें गरुपे को वहाँ पर फादर फरेरा को ढूंढना होता है और वहाँ से वो लोग अलग हो रहे हैं ये गरुपे बताता है। और वहाँ से गरुपे नागासाकी जाने निकलते हैं और वहाँ से रोड्रिगिस कुछ दिनों तक गोटो जाएगा ये बताता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं।
और फिर रात तक वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और काव वालों की हालत से रोड्रिगेस काफ़ी परेशान होता है और वो लोग गोटो के पास पहुंचते हैं और वहां से रोड्रिगेस आगे बढ़ता है और वो गांव में आता है जिसमें पूरा गांव खाली होता है और वहां उसे कोई भी नहीं दिखता। तब रोड्रिगेस काफ़ी कन्फ्यूज होता है और वहां से रोड्रिगेस जंगल में चला जाता है और वहां वो प्रार्थना करता रहता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन एक जगह पर जली हुई आग दिखती है, इसका मतलब आसपास में कोई होगा ऐसा रोड्रिगेस को लगता है और वहाँ वो दूर जाता है जिसमें उसे एक घर मिलता है लेकिन वो खाली होता है। और फिर रोड्रिगेस वहाँ से आगे बढ़ता है और अब घरों पे और उसके जानों के बाद जापनीज लोगों के लिए चर्च जैसी कोई भी जगह नहीं बची होगी ऐसा उसे लगता है। और वहीं पर रोड्रिगेस को एक गांव दिखता है, तब वो उस तरफ आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे किचिजिरो मिलता है और वो रोड्रिगेस को संभालता है जिसमें रोड्रिगेस नीचे गिरने की वजह से थोड़ा सा घायल होता है और रोड्रिगेस को उससे नफरत होती है। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और दोनों एक घर में आते हैं और वहाँ किचिजिरो रोड्रिगेस का इलाज करता है और रात को वो रोड्रिगेस को खाना खिलाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा भूख के चलते रोड्रिगेस खाना भी खा लेता है। और वहाँ किचिजिरो काफ़ी कमज़ोर है ये वो बताता है और वहाँ किचिजिरो बताते हैं कि दुनिया को पादरी की तरह धर्म में मानना चाहिए और वहाँ रोड्रिगेस इसका मतलब समझ जाता है और फिर से वो उसके लिए प्रार्थना करके उसे गुनाहों से मुक्त कर देता है। और फिर एक दिन दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ रोड्रिगेस को प्यास लगती है जिसमें वो लोग एक जगह पर आकर पानी पीते हैं और वहाँ रोड्रिगेस को खुद में जीसस नज़र आते हैं और इस चीज़ से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर सैनिक आते हैं और वो लोग रोड्रिगेस को पकड़ लेते हैं जिसमें उसके पास क्रिश्चियन होने का सामान भी होता है और वहाँ से वो लोग उसे लेकर आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वो लोग किचिजिरो को पैसे देते हैं जिसमें रोड्रिगेस उसे देखता है और वहाँ किचिजिरो रोड्रिगेस से माफ़ी मांगता है। और फिर वो सैनिक रोड्रिगेस को गोटो गांव के कुछ पकड़े जाने वाले लोगों के साथ रख देते हैं जिसमें वो लोग रोड्रिगेस को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ एक लड़की रोड्रिगेस को खाना देती है और फिर रोड्रिगेस उनसे बात करते हैं जिसमें वहाँ काफ़ी लोग क्रिश्चियन धर्म से जुड़ गए होते हैं और इस चीज़ से रोड्रिगेस खुश होता है लेकिन वो लोग मरने वाले होते हैं और फिर भी वो लोग खुश कैसे ये वो पूछता है जिसमें वहाँ वो लड़की बताती है कि वो लोग धर्म के लिए मर रहे हैं और इसी वजह से वो लोग पैराडाइस यानी कि स्वर्ग जाएंगे और इस चीज़ से वो लोग खुश होते हैं जिसमें वहाँ उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और वहाँ रोड्रिगेस हाँ बोलता है और वो समझ जाता है कि उन लोगों की श्रद्धा उनके डर से काफ़ी ज़्यादा है। और फिर वहाँ बुद्धिस्ट लीडर ओगाटा आता है और उनके चलते ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ये वो बताता है जिसमें ये साल उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन लोग मिले ये वो बताता है जिसमें वो उनसे नफरत नहीं करता, साथ ही वो लोग अपने क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर बुद्धिज़्म अपनाकर बच सकते हैं ये वो बताता है। और फिर वहाँ वो सभी लोगों को लेकर जाने कहता है और वहाँ से ओगाटा रोड्रिगेस से बात करता है जिसमें ओगाटा बताता है कि उन सभी लोगों की ज़िंदगी अब रोड्रिगेस के हाथ में है जिसमें वो अपना धर्म छोड़ेगा तो ही वो उन्हें छोड़ेगा वरना वो सबको मार देगा। और वहाँ रोड्रिगेस सिर्फ उसे ही सजा देने कहता है जिसमें ओगाटा भड़क जाता है और वो अपने क्रिश्चियन लोगों को बचाने कहता है। और फिर वहाँ से जाते जाते उसकी श्रद्धा की कीमत सबको भुगतनी पड़ेगी ये वो बोलता है। और वहाँ से वो लोग रोड्रिगेस को एक जगह पर आकर जेल में डाल देते हैं। कुछ दिनों के बाद रोड्रिगेस से मिलने असानो नाम का एक बुद्धिस्ट आदमी आता है जिसमें वो रोड्रिगेस की तरह पोर्टुगीज बोल सकता है और वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और उसे असानो ये भाषा एक पादरी से ही सीखा है ये बताता है जिसमें हर आदमी बुद्धिस्ट में एक मामूली इंसान की तरह ही समझा जाता है ये वो बताता है जिसमें ये चीज़ गलत है और जो भी जीसस को मानता है उसे ही खुशी मिलती है ये रोड्रिगेस बोलता है जिसमें असानो हाँ बोलता है और अब उसे क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर अपने लोगों को बचाने के बारे में सोचने कहता है। साथ ही अगर उसने ये नहीं किया तो काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे और फरेरा ने भी यही किया था ये वो बोलता है जिसमें फरेरा का नाम सुनकर रोड्रिगेस चौंक जाता है और वहाँ असानो बताता है कि फरेरा ने बुद्धिज़्म अपना लिया है और अब उसका एक बच्चा और एक बीवी भी है और वो लोग नागासाकी में रहते हैं जिसमें वहाँ से वो निकलता है और इस चीज़ से रोड्रिगेस काफ़ी कन्फ्यूज होता है और वहाँ से असानो उसे निकालने कहता है। और फिर वो लोग नागासाकी आते हैं जिसमें सब बुद्धिस्ट लोग होते हैं
और उन्हें क्रिश्चियन लोगों से नफरत होती है और वो लोग रोड्रिगिस पर सामान फेंकते हैं और वहाँ रोड्रिगिस को किची जीरो भी उसी जगह पर दिखता है और वहाँ से सभी लोगों को वहाँ की जेल में लाया जाता है और वहाँ भी रोड्रिगिस जीसस की निशानियाँ बनाता है और वहाँ की कैदियों की वो कन्फेशंस भी सुनते हैं जिसमें इस हालत में भी उनकी श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं होती और इसी वजह से रोड्रिगिस भी खुश होता है और वो जीसस को याद करता है। और फिर एक दिन रोड्रिगिस को सभी बुद्धिज्म के संत के सामने लाया जाता है। वहाँ उसे सभी लोग जानते हैं क्योंकि वो पोर्टुगीज से होता है और वहाँ उनकी भाषा आसानो ट्रांसलेट करके बताता है जिसमें क्रिश्चियनिटी से वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं और वो लोग ये दूसरे देश में कर सकते हैं लेकिन जापान में ये नहीं हो सकता ऐसा उनका मानना होता है और क्रिश्चियनिटी उनके लिए काफ़ी खतरनाक है ये वो बोलते हैं। और तब रोड्रिगिस बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी सच्चाई है और सच्चाई सभी देशों के लिए सेम ही होती है और वहाँ संत बताते हैं कि हर देश का धर्म एक पेड़ की तरह होता है और उनकी जड़ें हर देश में मजबूत होती हैं और क्रिश्चियनिटी के चलते उनके धर्म को बर्बाद किया जा रहा है जिसमें रोड्रिगिस बताते हैं कि जापान में 30,000 जितने क्रिश्चियन लोग हैं और इस चीज़ से उनके धर्म में कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी ऐसा उसे लग रहा है और वहाँ पर वो लोग एक दूसरे की बातों से कभी भी एग्री नहीं होगी ये चीज़ भी उसे पता है। और वहाँ सबसे बड़े सेंट को वो सामने लाने कहता है जिसमें सब लोग हंसते हैं और वहाँ ओगाटा बताता है कि वहीं जापान का सबसे बड़ा धर्म गुरु है और फिर वहीं पर सभा खत्म होती है और सब लोग निकलते हैं और वहाँ से सभी लोग जेल में गाने लगते हैं और इस चीज़ के चलते उन्हें सजा दी जाती है और वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता है और इस चीज़ से रोड्रिगिस खुश नहीं होता और वहीं पर रोड्रिगिस के पास किची जीरो आ जाता है। तब रोड्रिगिस भड़क जाता है और वहाँ किची जीरो ने उसे धोखा नहीं दिया ये वो बोलता है और वहाँ सैनिक उसे पकड़कर जेल की तरफ ले जाते हैं। और फिर एक दिन रोड्रिगिस सभी भक्तों के पास आता है और वहाँ से सबको अपना खाना देता है और वहाँ किची जीरो भी होता है जो कि उनसे अलग होता है और वहाँ उसे अब कन्फेशन करना होता है जिसमें रोड्रिगिस फिर से उस पर भरोसा कर उसके पास आता है और वहाँ उसे उसमें से पाप की स्मेल आती है लेकिन वहाँ रोड्रिगिस उसके आने का कारण पूछता है जिसमें वो ये क्या कर रहा है ये चीज़ उसे नहीं समझती। और वहाँ किची जीरो बताता है कि 1 साल पहले उसे मर जाना चाहिए था लेकिन वो ज़िंदा है और वो इन चीज़ों से काफ़ी शर्मिंदा है और वो अभी भी चीज़ों को मानता है। तब रोड्रिगिस फिर से उसका कन्फेशन सुनता है और वो उसे फिर से पापों से मुक्त कर देता है और वहाँ किची जीरो हर चीज़ के लिए रोड्रिगिस से माफ़ी मांगता है और वहाँ से रोड्रिगिस अपने काम खत्म करके आगे बढ़ता है। और फिर एक दिन सभी कैदियों को बाहर लाया जाता है और उनके सामने सारे संत होते हैं और वहाँ उनके काम की शुरुआत होती है जिसमें उन लोगों को क्रिश्चियन धर्म को छोड़ने पर छोड़ दिया जाएगा ये वो लोग बताते हैं। और फिर उनके सामने जीसस की एक तस्वीर रखी जाती है और उस पर पैर रखने कहा जाता है जिसमें वहाँ एक एक करके सभी लोगों को लाया जाता है लेकिन वो लोग सभी लोग रोड्रिगिस को देखते हैं और उनमें से कोई भी तस्वीर पर पैर नहीं रखता और इस चीज़ से रोड्रिगिस खुश होता है और वहाँ से सारे सेंट्स निकल जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक आदमी को छोड़कर सभी लोगों को जेल में भेज दिया जाता है और वहीं पर उस आदमी को काट दिया जाता है और इस चीज़ से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये चीज़ देखकर रोड्रिगिस भी दुखी होता है और यही हाल हर एक क्रिश्चियन के साथ होगा ये सेंट्स बताते हैं। और फिर वहाँ पर किची जीरो को लाया जाता है और वो जीसस के फोटो पर पैर रखता है और वहाँ से उसे आज़ाद कर दिया जाता है। तब वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद रोड्रिगिस काफ़ी ज़्यादा दुखी देखता है। और फिर एक दिन ओगाटा के सामने रोड्रिगिस को लाया जाता है और वहाँ ओगाटा कुछ दिनों से काफ़ी बिजी है ये बताता है जिसमें वो पूरे जापान की सभी चीज़ों को संभालता है और इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाता ये बताता है। साथ ही उसकी 4-4 बीवियाँ होती हैं और वो हर चीज़ संभालने में उसे काफ़ी परेशानी होती है ये वो बताता है। और वहाँ रोड्रिगिस बताता है कि वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान लगते हैं जिसमें ओगाटा बोलता है कि वो उसे समझना होगा कि वो क्रिश्चियन धर्म से नफरत नहीं करता बस वो अपने देश में उस धर्म को नहीं चाहता। तब वहाँ रोड्रिगिस बताता है कि उनका धर्म उन्हें किसी भी औरत के साथ रहने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता जिसमें वह ओगाटा हंसता है और वो बताता है कि एक औरत ही धर्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो आदमी को अपने परिवार और अपने देश से बांध कर रखती है जिसमें इस चीज़ के लिए प्यार काफ़ी ज़रूरी है ये रोड्रिगिस बताता है। और वहाँ ओगाटा को उसकी बातें पसंद नहीं आती। तब रोड्रिगिस बोलता है कि वो कभी भी उसके धर्म क्रिश्चियनिटी को समझ नहीं सकते और इस चीज़ से ओगाटा काफ़ी दुखी होते हैं जिसमें वो हाँ बोलते हैं। साथ ही वो धर्म काफ़ी खतरनाक है ये बताते हैं और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद कैद में से सारे कैदियों को बाहर लेकर जाया जाता है और इस चीज के लिए रोड्रिगेस कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ वो जीसस के लिए प्रार्थना करता रहता है और उनकी प्रतिमा को देखता है। और फिर कुछ घंटों के बाद रोड्रिगेस को बांध कर किनारे पर लेकर आते हैं और वहाँ पर कुछ लोग दूर से आते हुए दिखते हैं, जिसमें वह रोड्रिगेस को एक जगह पर बिठाया जाता है और फिर वहाँ पर असुनो आगे बढ़ता है और वो उस जगह की तारीफ करता है और वहाँ रोड्रिगेस ओगाटा के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो आज नहीं मिलेंगे लेकिन आज रोड्रिगेस को उसके जैसे एक पोर्टुगीज मिलेगा ये असानो बताता है, जिसमें रोड्रिगेस दूर के कैदियों के साथ गरुपे को भी आते हुए दिखता है। तब वो डर जाता है और वहाँ उसे गरुपे से बात करनी है ये बताता है और वहाँ असुनो उसे आगे क्या होगा ये देखने कहता है। और फिर दूसरी तरफ से जापानीज क्रिश्चियन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और फिर उन्हें गरुपे के सामने वहाँ से बोट में समुद्र के किनारे से दूर की तरफ लेकर जाते हैं और वहाँ गरुपे को वो लोग बचाने कहते हैं और तब गरुपे आगे बढ़ता है और वो सब लोगों को देखता है और वहाँ उसे इस हालत में देखकर रोड्रिगेस काफ़ी दुखी होता है। और फिर दूर समुद्र में एक जगह पर उन लोगों को बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है और तब गरुपे उन्हें बचाने आगे बढ़ता है और वहाँ पहुंचकर गरुपे उन लोगों को बचाने जाता है, जिसमें सैनिक उन लोगों को डुबाते हैं और वहाँ गरुपे भी सब लोगों के साथ मारा जाता है। और इस चीज़ से रोड्रिगेस काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर उनका धर्म ही उनकी जान ले रहा है ये आसानो बताता है, जिसमें वो ये चीज़ें रोड्रिगेस के चलते ही हुई है ये बोलता है। और कहीं ना कहीं रोड्रिगेस को भी ये चीज़ सही लगने लगती है। और फिर एक दिन रोड्रिगेस को असाने एक घर में लाता है और वहाँ आज उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी ये असानो बोलता है और वहाँ आज ओगाटा के बाद के उनके सेकंड कमांड से वो मिलेगा ये वो बताता है, जिसमें उनका नाम सावानो होता है। और फिर रोड्रिगेस के सामने फादर फरेरा आते हुए दिखते हैं और वहाँ उन्हें सावानो नाम दिया गया होता है। और फिर रोड्रिगेस के सामने फरेरा आकर बैठते हैं, जिसमें वो काफ़ी दुखी होता है और वहाँ दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और वहाँ फरेरा के हार मानने से रोड्रिगेस दुखी है ये वो बताते हैं, जिसमें फरेरा बताता है कि वो एक साल से इस जगह पर रह रहा है और बाकी वक्त से वो घूम रहा था, जिसमें वो यहाँ पर स्टडी कर रहा है और वहाँ पर रोड्रिगेस को ये पता है क्योंकि उसने सुना था कि वो नागासाकी में थे ये वो बताते हैं। और वहाँ रोड्रिगेस उसे याद दिलाता है कि वही उन लोगों को क्रिश्चियन धर्म के बारे में सिखाया करते थे और तब फरेरा बोलता है कि वो दोनों पहले से काफ़ी बदल गए हैं और यहाँ की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और वो काफ़ी हद तक नॉलेज सही भी है और यहाँ पर वो काफ़ी खुश है ये बताते हैं, जिसमें वहाँ असुनो उनकी नई बुक के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ फादर फरेरा बताते हैं कि वो एक नई बुक लिख रहे हैं जिसका नाम एरर ऑफ क्रिश्चियनिटी है। और वहाँ रोड्रिगेस ये सुनकर काफ़ी दुखी होता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्रूर है और बाकी लोगों को टॉर्चर करते हैं ये वो बताते हैं, जिसमें वहाँ असुनो बोलते हैं कि लोगों को उनके कर्मों के चलते ही टॉर्चर किया जाता है, जिसमें रोड्रिगेस यहाँ पर अपनी गलतियों की वजह से और अगर वो भी बदलता है तो वो भी सावानों की तरह पूरे जापान में फेमस हो सकता है, जिसमें वो बुद्धा की तरह सबकी सेवा में लगा है। और वहाँ फरेरा बताते हैं कि उनके गले के पीछे एक नस होती है और उससे काफ़ी तेज़ खून बहता है और उससे सभी लोगों को तड़पाया जाता है और ऐसे एक महीने के अंदर वो लोग मारे जाते हैं, जिसमें उसे भी ऐसी सज़ा दी गई थी। और वहाँ ओगाटा ने उसे जीसस की फ़ोटो पर पैर रखने कहा था, तब फरेरा ने यही किया था और फिर इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ था। और वहाँ असुनो बताते हैं कि रोड्रिगेस अब यहाँ के आखिरी बचा हुआ पृष्ठ है और वहाँ फरेरा बताते हैं कि उनका धर्म सही है लेकिन उसे यहाँ लाना गलत चीज़ है, जिसमें यहाँ की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। और वहाँ रोड्रिगेस बोलते हैं वो लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलाने नहीं देते, जिसमें फरेरा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए ही आया था और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन लोग भी हैं। और वहाँ फरेरा बताता है कि उसके हिसाब से सबसे बड़े भगवान जीसस हैं लेकिन धरती पर भगवान का असली स्वरूप सूरज है और जापान में यही माना जाता है। और वहाँ रोड्रिगेस बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मरे हैं और वो लोग अपने धर्म के लिए मरे हैं, जिसमें वहाँ फरेरा बताते हैं कि वो लोग रोड्रिगेस की वजह से मरे हैं। तब वो दुखी होता है और वहाँ फरेरा ने कितने लोगों को बचाया ये वो पूछते हैं, जिसमें ये चीज़ उसे पता नहीं होती और उसने एक कहावत सुनी होती है वो बताते हैं, जिसमें पर्वतों और नदियों को हिलाया जा सकता है लेकिन कभी भी इंसान के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, जिसमें वो लोग जापान में है और उसने यहाँ के भगवान को समझ लिया है। वहाँ रोड्रिगेस बोलता है कि वो गिर चुका है लेकिन वो इतना नहीं गिर सकता, तब फरेरा वो सही बोल रहा है ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं।
और फिर एक दिन रोड्रिगेस के पास कैद में एक आदमी आता है और वो उसे बांध देता है और वहाँ से उसे बाहर लाया जाता है, जिसमें सभी लोग रोड्रिगेस पर पत्थर मारते हैं और वहाँ असुनो उसे जिद छोड़ने कहता है, जिसमें वहाँ रोड्रिगेस बोलता है कि वो लोग जितना उससे नफरत करेंगे उसे उतनी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। तब असुनो उसे बताता है कि उसे रात को हिम्मत की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। और फिर रात को रोड्रिगेस काफ़ी दुखी होता है और वो जीसस से प्रार्थना करता है, जिसमें उस दीवार पर किसी पादरी ने जीसस के निशान बनाए होते हैं। और वहीं पर बाहर से किचिजिरो फिर से आता है और वो रोड्रिगेस को उसे माफ़ कर देने कहता है, जिसमें रोड्रिगेस काफ़ी दुखी होता है और वो उसे माफ़ कर देता है। और फिर वो काफ़ी भड़क जाता है और वहाँ फरेरा आता है और वो बताता है कि उन लोगों ने 5 क्रिश्चियंस को लटका दिया है और वहाँ जो भी लिखा है वो उसी ने लिखा था, और वहाँ रोड्रिगेस को उससे बात नहीं करनी होती, जिसमें वहाँ फरेरा बताता है कि रोड्रिगेस को उसकी जिद छोड़नी होगी, जिसमें वहाँ के लोग कभी भी अपने भगवान को जीसस से कंपेयर नहीं करते। साथ ही रोड्रिगेस के चलते काफ़ी सारे लोग तड़प रहे हैं और वो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तब रोड्रिगेस उसे वहाँ से निकल जाने कहता है और तब फरेरा उसे प्रार्थना करने कहता है, और वहाँ से रोड्रिगेस को सैनिक बाहर लाते हैं और वहाँ से 5 क्रिश्चियन लोगों को लटका दिया जाता है और उनके गले की नस से खून निकलता जाता है, जिसमें वो लोग भी अपने धर्म को छोड़ने तैयार नहीं है, ये फरेरा बताता है। और वहाँ रोड्रिगेस दुखी होता है, जिसमें वहाँ फरेरा बताता है कि अगर जीसस होते तो वो भी उन लोगों को बचाने के लिए अपने धर्म को छोड़ देते हैं। और फिर फरेरा जीसस की तस्वीर रोड्रिगेस के सामने रखता है और ये फॉर्मेलिटी है, ये असुनो बोलता है। तब तड़पते हुए लोगों को देखकर रोड्रिगेस आगे बढ़ता है और वो उस फोटो को देखता है, जिसमें उसे वहाँ से जीसस की आवाज़ सुनाई देती है और वो रोड्रिगेस को अपने पर पैर रखकर उन 5 लोगों को बचाने कहते हैं। साथ ही वो उसके दर्द को समझते ये बताते हैं और तब रोड्रिगेस उन पर अपना पैर रखता है और वहीं पर वो गिर पड़ता है और तब फरेरा उसे संभालता है और वहाँ से 5 लोगों को बचा लिया जाता है। और फिर हमें रोड्रिगेस का एक नया ही रूप नजर आता है, जो कि अब जापनीज सेंट बन चुका होता है। और फिर ईयर 1641 आता है, जिसमें जापनीज में आने वाले सभी लोगों के सामान को रोड्रिगेस और फरेरा देखते हैं, जिसमें वो सामान क्रिश्चियन तो नहीं है ये देखना उनका काम होता है और वो लोग इस तरह के सामान को अलग करते हैं जिससे यहाँ के लोगों पर असर न पड़े। और फिर एक दिन रोड्रिगेस को इन सामान के बीच में एक क्रॉस मिलता है और इस चीज़ से उसे लाने वाले आदमी को पकड़ लिया जाता है, जिसमें ऐसी चीज़ें जापान में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। और फिर वहाँ से फरेरा निकलते और फिर कई सालों के बाद रोड्रिगेस को बुलाकर बताया जाता है कि उनका एक सेंट ओकाडा मर चुका है और अब उसकी जगह रोड्रिगेस को दी जाती है, साथ ही उसे उसका नाम और उसका परिवार भी दिया जाता है, जिसमें उसकी बीवी और उसका लड़का भी होता है। और असली संत एक परिवार के बिना नहीं जी सकता, ये ओकाडा बताता है, जिसमें रोड्रिगेस हाँ बोलता है। और अब उसका लाया हुआ धर्म क्रिश्चियन बदल चुका है, ये ओकाडा बताता है, जिसमें वो ओकाडा से नहीं लेकिन पूरे जापान से हारा था, ये बोलकर वो उसका स्वागत करता है। और फिर कई सालों तक रोड्रिगेस ओकाडा के नाम पर अपनी ज़िंदगी जीता है और इसी दौरान फेरेरा की मौत भी हो जाती है और फिर किचिजिरो भी रोड्रिगेस के साथ रहने लगता है और वहाँ उसे उसका नया नाम जापनीज कोरो भी दिया जाता है। और फिर रोड्रिगेस एक दिन उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वो उसके साथ होता है, इसी वजह से उसे अच्छा लगता है। और वहाँ कोरो भी बताता है कि वो चाहता है कि वो उसका कन्फेशन सुने और वो जीसस से उसे माफ़ करवा दें, जिसमें वहाँ रोड्रिगेस बोलते हैं कि वो अब पादरी नहीं है और वो ये नहीं कर सकता, जिसमें कोरो भी के लिए वो हमेशा से पादरी ये वो बोलता है। और वहाँ वो उसे एक आखिरी बार ये करने कहते हैं, जिसमें रोड्रिगेस मान जाता है असल में वो अपने धर्म और अपने कर्तव्य को अंदर से बिल्कुल भी भूला नहीं होता और वो कोरोबी के लिए प्रार्थना करता है। और फिर वो बताता है कि उसके भगवान हमेशा से साइलेंट रहे और वो अब उनकी जगह पर जरूर बोलेगा। और फिर वो कोरोबी को अपने सारे गुनाहों से मुक्त कर देता है, जिसमें वो लोग कई सालों तक ऐसे ही जीते हैं और उन लोगों को बार बार अपने क्रिश्चियन ना होने का सबूत देना पड़ता है, जिसमें सब लोगों को एक बार जीसस के फोटो पर पैर रखवाया जाता है। और ये चीज रोड्रिगेस और कोरोबी भी करते हैं और वहाँ कोरोबी पर एक आदमी को शक होता है, तब वो लोग उसे चेक करते हैं और वहाँ कोरोबी के गले में से उन लोगों को जीसस की एक तस्वीर मिलती है और वहाँ उसे दोषी पाया जाता है, जिसमें रोड्रिगेस पर भी शक होता है लेकिन वो ये अकेला कर रहा था, ये कोरोबी बताता है, और वहाँ से उसे लेकर जाते हैं। और फिर सन 1662 आते हैं, जिसमें रोड्रिगेस
मारा जाता है और वहाँ उसे लेने के लिए 3 गार्ड्स आते हैं और वहाँ उसकी पत्नी उसके शरीर को तैयार करती है और वहाँ से 3 गार्ड्स रोड्रिगेस को लेकर जाते हैं और एक जगह पर रोड्रिगेस के शरीर को जलाया जाता है, जिसमें उसके शरीर में अभी भी उसके हाथों में हमें गांव वालों का दिया हुआ जीसस का क्रॉस नजर आता है, जिसमें वो मरते मरते भी अपने धर्म को कभी भी नहीं भूला होता। असल में रोड्रिगेस कभी भी अपने धर्म से अलग नहीं हुआ था, बस वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपने धर्म को छोड़ने का नाटक कर रहा था। और फिल्म में हमें रोड्रिगेस की ज़िंदगी को जीसस की मुश्किल भरी ज़िंदगी से कंपेयर किया हुआ दिखाया जाता है और इसी के साथ ये काफ़ी शानदार फिल्म भी खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लोर वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है FreshMojoIndia।